क्लास 9 चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये हर जगह हर हाई लेवल पे भी पूछा जाता है, ये क्लास 1 से क्लास 12 फिर आगे भी हमेशा चैप्टर 1 होता है। और नंबर सिस्टम पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूछोगे क्यों? तो भाई ये तो अब हमेशा तुम लोग सुनते ही रहते होगे, और क्लास 1 में कितने नंबर आए, क्लास 2 में कितने नंबर आए, तो आपके हर एग्ज़ाम के बाद आपको ये तो सुनना ही पड़ता होगा कितने नंबर आए। अभी एग्ज़ाम दोगे क्लास 9 10th बोर्ड्स में कितने नंबर आए, तो नंबर से तो हम घिरे हुए हैं भाई साहब। तो चलो चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि आप काउंट कर सकते हो अपने उंगलियों से कैसे भी। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, जैसे 1 से शुरू होकर 2 3 4 कहाँ तक जा सकते हैं, तो भाई ये तो अनकाउंटेबल है। जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक जा सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इन्फिनिटी मतलब क्या, जहाँ तक आप सोच सकते हो उससे भी दूर, मतलब इन्फिनिटी इज़ दूर से दूर से दूर, अनकाउंटेबल नंबर्स। तो भाई नेचुरल नंबर्स इतने होते हैं। अब आई बात होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब नेचुरल नंबर्स आ गए तो उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई कुछ मिसिंग है इसमें। क्या मिसिंग है? तो ज़ीरो मिसिंग है। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। तो जब ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में ऐड हो गया तो फिर उसको कह दिया गया होल नंबर्स। सिंपल, बहुत सिंपल भाई। तो नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक जा सको, और होल नंबर 0 से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 इंक्लूडेड है। ऐसे फिर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट ये क्या है कि भाई जब होल नंबर्स के बाद फिर कुछ मिसिंग लगा, वो क्या था? नेगेटिव नंबर। कि भाई नेगेटिव नंबर जैसे भी कुछ चीज़ होती है, तो जब नेगेटिव नंबर जुड़ गए -5 -4 -1 0 होल नंबर में, तो हो गए वो इंटीजर्स। और उसके बाद जब नेगेटिव नंबर्स आ गए, तो भाई जब नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स आ गए, उसके बाद भी लोगों को लगा कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो जैसे देखो, जो हमें मेनली चैप्टर में देखना है, तो जैसे मिसिंग है एक पिज़्ज़ा। अब ये पिज़्ज़ा क्यों मिसिंग है? तो भाई तुम्हें जब एक आदमी हो और तुम्हें एक ही पिज़्ज़ा खाना हो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई अगर चार लोगों का ग्रुप है और तुम्हें एक ही पिज़्ज़ा खाना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड। तो जो एक पार्ट होगा वो कितने के इक्वल होगा? 1/4। सिंपल, 1/4 पार्ट। तो जो ये 1/4 फ्रैक्शन है, और इसको रेशियो भी कहते हैं, वो जब ऐड हो गया इंटीजर्स में, वो सारे नंबर जो कि फ्रैक्शन है, तो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन ये है कि भाई जो रैशनल नंबर उनको कहा जाता है जो P by Q फॉर्म में डिनोट हो सके, जहाँ पे P और Q क्या है होंगे? कोई भी इंटीजर्स। P और Q क्या होंगे? कोई भी इंटीजर्स। और Q किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये कोई भी 2/0 हो, 1/0, तो ये सारे अनडिफाइंड नंबर से। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता जीरो से कोई नंबर डिवाइड हो तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या जीरो से, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। जीरो से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 1 2, तो वो जीरो ही होगा। तो भाई 2 से जब जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये अनडिफाइंड है, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। और अनडिफाइंड कहने का मतलब यही हो गया एक तरह से कि इन्फिनिटी भी बोलते हैं, कि मतलब भाई ये वो नंबर है जो हम सोच भी नहीं सकते, वो इन्फिनिटी पे है। तो अब बात आई कि भाई जब रैशनल नंबर आ गए तो क्या रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स वगैरह भी हैं? आपने कहा कि भाई इंटीजर्स में जोड़े, तो भाई देखो कोई भी इंटीजर हो, जैसे -1 1 2 -2, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जीरो को भी लिख सकते हैं 0/1, -1 को भी 1/1, सबको अगर डिवाइडेड बाय 1 कर दे, बाय 1 कर दे, तो लिख सकते हैं भाई 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो सेम रहेगा। तो ये भी P/Q फॉर्म में आ सकता है, इसीलिए ये सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर में इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल नंबर्स। अब बात आई व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं कि भाई देखो, अब दोबारा जाते हैं हम अपने पिज़्ज़ा पे। अब भाई एक पार्टी में बस चार लोग थे, तो भाई यहाँ पे हमने
पिज़्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये रहा हमारा एक पार्ट जो कि एक आदमी खाएगा। अब एक और पार्टी चल रही है जिसमें 8 लोग आने वाले हैं, तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 8 पार्ट में। लेकिन भाई पार्टी जब शुरू हुई तो पता चला 8 में से 4 लोग तो अभी भी आ ही नहीं रहे, तो डिवाइड तो कर दिया गया था 8 पार्ट में, लेकिन अब दोबारा क्या हो रहा है, चार ही लोग आ रहे हैं। तो भाई एक आदमी को फिर कितना मिलेगा? 2 पार्ट। तो भाई ये 2 पार्ट को दोबारा ये कर दो, ये भी एक आदमी का शेयरिंग है। अब ध्यान से देखो, पिज़्ज़ा दोनों बराबर ये एक ही है, और जब एक आदमी को जो यहाँ मिल रहा है, जब ये 4 में डिवाइड हुआ तो भी ये उतना ही है जितना जब 2 पार्ट मिल रहा है किसी आदमी को, और ये क्या है 1/4 और ये क्या है 2/8, लेकिन है तो दोनों इक्वली। इसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, इक्वल है। और अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालने का मतलब मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, तो 1/4 है तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ 2 से कर दिया तो क्या आ गया 2/8। मतलब 1/4 और 2/8 इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि 2/8 में से जब दोनों ऊपर नीचे 2 हटाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/4 ही बन जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वली है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यही होते हैं। 2/8 के बाद दोबारा करोगे तो 4/16 हो सकता है 2 से, तो ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब बहुत सारे ना अनसेड रूल होते हैं लाइफ में, जैसे भाई कुछ भी हो जाए अपने भाई बंधुओं का मत काटो कभी भी, अपने दोस्तों का मत काटो, कभी धोखा मत दो किसी से। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये करना ही है, लेकिन ये अनसेड रूल है भाई, कभी नहीं काटना है। तो ऐसे ही इसमें भी एक अनसेड रूल है कि जब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखे हो तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लिखना है जहाँ पे पी बाई क्यू क्या हो, को प्राइम हो। और को प्राइम कहने का मतलब क्या? को प्राइम कहने का मतलब ये कि पी एंड क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर हो जो हो 1। मतलब पी बाई क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर हो जो 1, वो को प्राइम। जैसे 1/4, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक बस 1। अब 2/8, तो 2/8 में दोनों में कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 का 2 भी फैक्टर है, 8 का भी 2 फैक्टर है, तो इसीलिए इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो इसीलिए ये क्या को प्राइम है? नहीं, 2 और 8 को प्राइम नहीं है, 1 और 4 को प्राइम नंबर है। तो ये कहने का मतलब है कि आपको कोई भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो तो आपको उसको क्या कर देना है, को प्राइम के फॉर्म में लाना है। अगर ये 2/8 लिखा हो तो उसको 1/4 में कन्वर्ट कर देना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जहां उसके बाद वो कट नहीं हो सके, वो को प्राइम्स हो जाए। तो ये एक अनसेड रूल होता है कि हाँ भाई हमें जहां भी मिले इसको कर देना है। जहां नहीं है ऐसा कुछ मेंशन हो कि इक्विवेलेंट रैशनल में लिखो या ज़रूरी है, तो वहां आपको उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो भाई जब रैशनल नंबर आ गए तो इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या? सिंपल, इरेशनल मतलब जो रैशनल नहीं हो। तो रैशनल क्या था? पी बाई क्यू, जहाँ पे पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो, ये दोनों इंटीजर हो। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसा कोई नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जो रैशनल नहीं हो। जैसे कि वैसे नंबर्स होते हैं कुछ एग्जांपल, √2, √3, पाई। तो ये जो नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्यों? जैसे अब √2 को क्या लिखोगे? √2/1। 1 तो इंटीजर है, क्या √2 इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं हो। अब कहोगे √4, तो क्या √4 इरेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, और 2 क्या है? रैशनल है, तो इसीलिए ये इरेशनल नहीं है √4। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ये साइन होता है रूट का, ये हमेशा आपने देखा होगा जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का ये लिखते हैं, इसको कहते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। और जब जैसे ये √2 है तो इसको बोलते हैं शर्ट्स। शर्ट्स किसको बोलते हैं? वो नंबर जो सिंप्लीफाई नहीं हो सके, जो इरेशनल हो। जैसे √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, वो इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है किसी रेशनल नंबर में। अब √4 है,
तो रूट फोर क्या है, सिंप्लीफाई हो सकता है कि इसमें टू या माइनस टू में, दोनों की वैल्यू क्या होती है, रूट फोर की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस टू या टू, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है रैशनल नंबर में, तो ये शर्त नहीं है, शर्त नहीं है, शर्त बस वो होंगे जो इरेशनल हो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हो। जब हमारे इरेशनल आ गए और रैशनल भी आ गए, तो रैशनल प्लस इरेशनल जो होता है हमारा, वो उसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स, मतलब दोनों को मिला के जो आते हैं हमारे वो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब जो रैशनल भी और इरेशनल भी, और रैशनल में क्या क्या आ गया, इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल भी आ गया, उन सारे नंबर्स को ही रियल नंबर्स बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, तो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, खुद सोचो, नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, तो भाई वन टू माइनस वन जीरो सारे इंटीजर है, क्या ये रैशनल भी है, हाँ है, क्योंकि इसको भी वन बाय वन बाय वन सबको लिख सकते हैं, तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, ट्रू। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है, तो भाई रैशनल नंबर में तो थ्री बाई फाइव कोई फ्रैक्शन भी आए, लेकिन क्या ये इंटीजर्स हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सिंपल, खुद से भी सोचो और करते रहोगे, बहुत सिंपल है अभी तक। अब हमारा है एग्जाम्पल टू, फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो पहले इसको नंबर लाइन से समझते हैं। देखो नंबर लाइन पे मान लो यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो भाई सोचो, एक दिमाग में तो सबसे पहले ये आएगा भाई जितने पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल हैं उतने रैशनल नंबर, लेकिन कितने पॉइंट पॉसिबल हैं, तो तुम लोग कहोगे कोई तो लिमिट होगी जो उतना ही पॉइंट होगा। लेकिन एक यहाँ एक बात करने वाली बात ये है कि मान लो ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन का पार्ट है, तो इसको तो हम लोग मैग्नीफाई करके भी तो देख सकते हैं। जब इसको मैग्नीफाई कर दिया तो ये तो और बड़ा हो गया, ये लाइन और बड़ा हो गया, मान लो ये 1.5 है, ये 1.6 है, तो इसको जब मैग्नीफाई किया ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1.5 और 1.6 और बड़ा हो गया, तो यहाँ तो और पॉइंट्स पॉसिबल हैं, और नंबर्स इनके बीच में आ सकते हैं। तो जब इनके बीच में और नंबर्स आ सकते हैं, इसका मतलब ये और नंबर पॉसिबल है। अब फिर इसके बीच में भी और ये मैग्नीफाई हो सकता है, इसका मतलब तुम जितना सोच सकते हो उतने ज़्यादा रैशनल नंबर पॉसिबल है, मतलब इन्फिनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में, चाहे ये 1.2 हो या 1.5 1.6 हो, इन्फिनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं जो किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हो सकते हैं। और आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कोई भी पाँच। तो देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका क्या है, सबसे इजी, जो हमें मान लो जो हम इजीली कर सकते हैं, जैसे वन और टू है, तो भाई सबसे अच्छा इसके बीच का पॉइंट निकाल दो। बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबको पता है मिड पॉइंट निकालने का तरीका, वन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू कर दो, दोनों को ऐड करके एवरेज कर दो, तो ये थ्री बाय टू हो गया, तो इसके बीच में भाई थ्री बाय टू एक पॉइंट होगा। अब उसके बाद एक और निकालने के लिए वन और थ्री बाय टू का एवरेज कर दो, ऐसी एवरेज करते करते पाँच बार एवरेज करो तो पाँच रैशनल नंबर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई अभी तो पाँच ही है, अगर मेरे पास सौ कह दे, कोई कह दे बहुत ज़्यादा निकाल ले, तो क्या आप उतनी बार एवरेज कर पाओगे, उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, नहीं। तो हमें कोई इसका इजी तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसका इजी तरीका ये है कि भाई दोबारा देखो वन और टू, तो अब हमें इसको फाइव रैशनल नंबर बीच में निकालना है, तो चलो इसको फाइव इक्वली रैशनल नंबर पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रैशनल नंबर इक्वल इंटरवल पे पुट कर दिए, तो भाई ये डिवाइड कितने में हो गया, पर वन और टू के बीच में नंबर लाइन सिक्स पार्ट में डिवाइड हो गया, जब हमने फाइव रैशनल नंबर इक्वल इंटरवल में, तो ये सिक्स इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो भाई जब हमारा एक पिज़्ज़ा था, जब इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया था, तो क्या आ रहा था, एक पार्ट वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर, ये ऐसे थे। तो इसका मतलब जब फोर पार्ट में डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय फोर आ रहा था, इसी तरह इसको जब सिक्स पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, डिवाइड में सिक्स आना चाहिए। बीच में हमें फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन वो कितने में डिवाइड हो गया, सिक्स पार्ट में, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अब ये वन है तो वन बाय वन लिख सकते हैं इसको, अब हमें डिनोमिनेटर में सिक्स चाहिए, तो इसको करने का तरीका है ऊपर और नीचे सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर सकते हैं ऐसा,
क्योंकि भाई दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो इसका मतलब ये तो सेम ही है, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ऊपर भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी, तो ये कट हो सकता है। और कट हो सकता है मतलब ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, इक्विवेलेंट है मतलब सेम रैशनल नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा 6/6। ऐसे 2 का क्या आ जाएगा 12/6, तो ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया दिस और इसका हो गया दिस। तो भाई इन दोनों का रैशनल नंबर जो इसके इक्वल है ये दोनों आगे 6/6 और 12/6। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर क्या होंगे, ये तो सिंपली आप पता कर सकते हो, क्या होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस तरह हमारे 5 रैशनल नंबर ये पांचों मिल गए बीच में। हमने क्या क्या किया, सिंपली 5 रैशनल नंबर बीच में पुट किए, इसका मतलब वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, हमेशा एक ज़्यादा। उसके बाद उसको जो हमारे नंबर्स हैं उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जो कि डिवाइडेड बाय 6 है, और उसके बाद 5 रैशनल नंबर बीच में डाल दिए, सिंपल तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, लोकेट रूट टू और नंबर लाइन। रूट टू को नंबर लाइन मतलब रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर मतलब इन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो भाई नंबर लाइन मान लो ये है, ये एक नंबर लाइन है यहाँ पे, जो स्ट्रेट नहीं मैंने बनाई है लेकिन ये स्ट्रेट ही होती है। तो भाई अब रूट टू फाइंड करने का एक सिंपल तरीका ये है कि भाई आप पहले कोई भी 1 यूनिट का यहाँ पे लाइन ले लो, 1 यूनिट का ले लो, आप प्रोटेक्टर से ले सकते हो, स्केल से भी कर सकते हो। तो प्रोटेक्टर से 1 यूनिट ले लिया, उसके बाद दोबारा 1 यूनिट यहाँ पे इससे 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ले लो, और प्रोटेक्टर को यूज़ करके 1 ले सकते हो 90 डिग्री। कैसे कैसे होता है तुम्हें पता भाई, ये तो बचपन में सीखा गया, कट करो उसके बाद बाइसेक्ट कर दो तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। तो जब दोनों 1 यूनिट हो गए तो जो ये ट्राइंगल बना एक हमारा, तो उसका हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू। तो ये वैल्यू आ गई हमारी रूट टू। तो अब हमारा रूट टू वैल्यू निकल गई, रूट टू वैल्यू निकल गई हाइपोटेनस की। तो जब ये लेंथ निकल गया तो इसको प्रोटेक्टर से क्या कर लो, इसको प्रोटेक्टर से इक्वल ले लो, और उसके बाद इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर दो। तो अब जो ये लाइन है वो किसके इक्वल होगी, रूट टू के। तो इसी तरह हमारा रूट टू क्या हो गया, लोकेट हो गया। अब बात हुई रूट थ्री कैसे लोकेट होगा, तो रूट थ्री भी कैसे होगा, तो रूट थ्री लाने के लिए हाइपोटेनस को अगर यहाँ पे 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए प्लस 1 आना चाहिए तभी होगा। और 2 लाने का मतलब क्या है कि ये किसका स्क्वायर होगा, रूट टू का स्क्वायर होगा, और ये तो 1 का स्क्वायर होगा, मतलब जो हमारा बेस हो वो रूट टू हो, बेस जो हो वो रूट टू हो, और ये जो हो ये 1 cm हो। तो जो ये cm बनेगा वो क्या होगा, 1। तो ऐसे अब रूट टू कहाँ से आएगा, तो रूट टू हम यहाँ से लाए थे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले यहाँ रूट टू आ गया 1 1 से, अब यहाँ से फिर एक और परपेंडिकुलर ले लो, और फिर जो ये लेंथ आई वो क्या आई, रूट थ्री। समझ में आ रहा है, सिंपल। तो उसके बाद जो यहाँ से कट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, रूट थ्री। राइटिंग खराब है लेकिन समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो रूट थ्री आ गया, अब रूट थ्री आ गया तो अब रूट फोर क्या होगा, दोबारा एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींच दो सेम। तो ये जो 4 आया फिर 5 आया, तो मान लो कितने नंबर तक भी जा सकता, तो ये क्लासरूम एक्टिविटी भी हो गया एनसीईआरटी में। तो इसको बोलते हैं कि स्पाइरल। तो ये जो बनता है जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं बड़े नंबर्स में, तो ये स्पाइरल का फॉर्म ले लेता है। अब स्पाइरल कैसा दिखता है, क्या होता है, तो वो जब रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को समझने के बाद, सब कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा। अभी तो भाई थियोरेटिकली सारा मैं बता रहा हूँ, तो वो जब देखेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। मान लो कि अब हमें लोकेट करना हो 3.5 कोई रूट के अंदर डेसिमल नंबर, तो क्या ये इन दोनों इस तरीकों से हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमेशा ये नेचुरल नंबर ही आएगा रूट के अंदर जो भी आएगा। तो इसको कैसे करें, तो इन नंबर्स को करने के लिए एक यूनिवर्सल तरीका निकाला गया, और यूनिवर्सल तरीका ऐसा निकाला गया जिसमें कोई भी नंबर आए रूट अंडर एक्स हो तो उसको उससे रिप्रेजेंट कर सके। तो वो तरीका क्या है, तो यहाँ देखो, तो पहले आपको एक लाइन खींचनी है जो ए बी खींची हुई यहाँ पे,
एक्स यूनिट की, एक्स यूनिट की खींच दी। एक्स कहने का मतलब क्या है कि जिसका हमें प्लॉट करना हो, जैसे मान लो हमें यहाँ पे प्लॉट करना हो 9.6, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा 9.6, तो ए बी 9.6 सी एम पहले हमने नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, बी सी, बी को एक्सटेंड करना है प्रोटेक्टर से कितना सी एम, 1 यूनिट, कितना यूनिट, तो 1 यूनिट एक्सटेंड, तो बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यूनिट। ये देखो पहले ए बी किया, यहाँ पे ये ए बी है जो कि एक्स है, फिर बी सी कर दिया जो कि 1 यूनिट है, तो ए सी कितना हो गया, एक्स प्लस 1 यूनिट। अब क्या करना है हमें, अब हमें पे ए सी को बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करके इसका पॉइंट निकालना है कि बीच का मिडल पॉइंट क्या है, तो वो आ गया हमारा ओ। तो जब हमारा ओ आ गया मिडल पॉइंट, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो जब ओ सी आ गया तो अब हमारा ओ बी किसके इक्वल है, तो ओ बी इक्वल है हमारा ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी। तो ये क्या है भाई, तो ये एक्स प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई बी सी क्या है, माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स माइनस 1, तो हमारा ओ भी पता चल गया, ये सब हमें पता भी चल गया। अब आपको सिंपली इतना कैलकुलेट तो करना नहीं है, वो तो मैं बताना, आपको बस क्या करना है, पहले 9.6 यूनिट की ए बी ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद 1 यूनिट उसके आगे बी सी कर दिया। अब बस इतना करना है कि मिडल पॉइंट ओ निकाल देना है, और उसके बाद ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, जैसे ए सी के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, तो एक सेमी सर्कल दोनों कट कर दिया यहाँ पे, ड्रॉ कर दिया। तो जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद क्या करना है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते, प्रोटेक्टर से आपको पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर को कट कहाँ पे कर देना है, इस सेमी सर्कल पे, और वो पॉइंट है हमारा मान लो डी, जहाँ पे ये कट हो गया, तो डी आ गया हमारा। तो डी जो कट हुआ, तो जब हमने बी डी कैलकुलेट किया, तो बी डी जो हमारा आ रहा है वो रूट एक्स होगा, मतलब रूट 9.6 के इक्वल होगा, तो हमारा बी डी निकल गया। तो बी टी को प्रोटेक्टर से लेके दोबारा नंबर लाइन पे कट कर दो, तो बी डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, जहाँ अगर ई पॉइंट पे कट हुआ, तो बी हमारा क्या आ गया, रूट 9.6, जितना भी रूट 9.5, रूट 2, जो भी हम लोग एक्स की यूनिट लेंगे उसके हिसाब से रूट आ गया। तो ऐसे ही सिंपली कर सकते हैं। अब इसका ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 और यहाँ पे ए डी ओ डी जो है हमारा x प्लस 1 है बाय 2 है, और ओ बी जो है हमारा वो क्या है, x माइनस 1 बाय 2, तो हमारा जो बी डी आएगा पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या आएगा, रूट x, जब हम लोग स्क्वायरिंग करके। अब इसका फुल अगर आपको देखना है पूरा प्रूफ कि भाई x प्लस 1 बाय 2 भी क्यों, कैसे आया, x माइनस 1 बाय 2 भी कैसे आया, तो चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जो हमारी पहली वीडियो है वो इसी के ऊपर है पूरा प्रूफ, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 33 नंबर। तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको पता है कैसे, सिंपली डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं। तो जैसे अब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये 3 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो अब इसका क्या आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, भाई पहले 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 1, अब क्या आएगा भाई, तो 0.1 छोटा हो गया, तो डेसिमल के लिए यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो फिर 9 3, फिर 1, तो देखोगे ये रिपीट हो रहा है, ये 3 3 3 रिपीटेड हो रहा है। तो जब हमारे रिपीटेड नंबर है, जैसे अगर ऐसे दिखाना हो ना, जो अनलिमिटेड रिपीटेड है, तो उसको इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद का जो 3 है वो इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग। रिपीटिंग का मतलब हो गया रीअकरिंग, मतलब ये बार बार वही नंबर अकर हो रहा है, और इसको एक चीज और बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये हुआ, टर्मिनेटिंग मतलब होता है टर्मिनेट, मतलब होता है कोई चीज़ वहाँ पे ख़त्म होना, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म ना हो रहा हो। तो ये देखो इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये 3 हमेशा बार बार बढ़ते जा रहा है, क्या ये कभी कोई टर्मिनेट होगा, नहीं हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे रिमाइंडर जो हो रहा है, बार बार 10 आते जाएगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिएक्टिंग भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा नंबर है 8 और यहाँ पे 7,
अब इसको किया जाए तो भाई, तो पहले तो डेसिमल लगा दो तो ये 70 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 64, 8, 6 कर दिया, फिर हमारा 60 हो गया तो 56 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या क्या आ गया, पहले फिर 7 आया, फिर क्या आ गया 40 के लिए 5 आ गया, और 40 के बाद यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन था वो क्या आ गया, 8.75, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब इसके जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। ये था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग रीअकरिंग, और ये था टर्मिनेटिंग। अब अगला 1/7 भी खुद ऐसे ही निकाल के देख लेना भाई, तो ये भी एक्चुअली क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। अब हमारा एग्जांपल 6 है कि इस रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म, तो बहुत ईजी है यार। अब ये है 2, 6, 7, 8, तो इसको कैसे दिखा सकते हो भाई, तो जितने डेसिमल है उसके बाद 0 लगाना होता है डिवाइड में, ये तो हम सबको पता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा दिया तो ये क्या आ गया हमारा पी बाई क्यू फॉर्म, सिंपल, ये रैशनल नंबर हो गया। अब आगे बढ़ो, अब क्या करना है हमें, इस रिपीटिंग नंबर को एक्सप्रेस करना है कि इसमें पी बाई क्यू फॉर्म में। तो रिपीटिंग करने का तरीका एक बार सीख लो, देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें उस नंबर को, रिपीटिंग नंबर को x मान लेना है, तो इसको जैसे 3 को x मान लिया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें x को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारा रिपीटिंग नंबर हो वो सारा रिपीटिंग नंबर एक वो डेसिमल के लेफ्ट साइड चला जाए। तो कैसे होगा, तो अगर हम इसको 10 से x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3.3 और दिस, क्योंकि एक 3 क्या हो गया, इसके लेफ्ट साइड चला गया 10 से मल्टीप्लाई करने, ये आ गया। अब इसको आपको इस इक्वेशन को इससे माइनस कर देना है, तो 10x माइनस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.3 माइनस 0.3, तो ये हो गया हमारा 9x, और ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 3, क्यों, क्योंकि डॉट के बाद जो ये दोनों है ये दोनों सेम है, 3 जो है वो रिपीटिंग में है, तो एक दूसरे से ये कट हो गया, तो ये आ गया हमारा 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, जो कि है इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई पी बाई क्यू फॉर्म में, रैशनल नंबर क्या आ गया 1/3। तो इसको ऐसे करते हैं, अब एक और एग्जांपल से देखो एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब ये नंबर है दोबारा रिपीटिंग, अब क्या करना है, 1.27 लिख दिया, 27 रिपीटिंग है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्यों, क्योंकि 27 रिपीटिंग में है। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 127, और 27 दोबारा रिपीटिंग में, क्यों, क्योंकि भाई 27 बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक्चुअली ऐसे है 27 27 27 दिस। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 127 727 दिस, तो ये दोबारा रिपीटिंग ही है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब इससे इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 127 माइनस 17, तो अब ये क्या हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा 99x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 126/99। अब देख लो भाई क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वैसे लिख दो। तो ये एक्चुअली क्या है, 3 से डिविजिबल है दोनों, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 और 2, और ये हो जाएगा 33, फिर 3 से डिविजिबल है, तो ये यहाँ पे 11, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 14, तो 14/11 पे ये सिंप्लीफाई हो गया। तो x इज इक्वल टू, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया ये। अब ऐसी एक और है, तो अब इसको भी देख लेते हैं भाई। तो अब क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.23535। अब यहाँ पे ये है कि एक नंबर जो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है वो बस एक बार है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको लेफ्ट साइड ले लो, तो 10x को 2.35 ले लिया। अब इसके बाद दोबारा रिपीटिंग को ले लो, अब इसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 235/35, यहाँ पे दोबारा रिपीटिंग 35 रिपीटिंग। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट इस नंबर से इसको करना है, क्यों x को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है हमारा यहाँ पे बस एक बार है, तो वो कट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दोनों डेसिमल के बाद सेम नंबर चाहिए तभी तो वो कट हो पाएंगे डेसिमल डेसिमल, इसीलिए। तो यहाँ पे 100x माइनस 10x किया, तो ये क्या हो गया 235
माइनस 235 दिस, तो ये 235 माइनस 2 233 और यहाँ पे आ गया हमारा 990x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 233/990। अब एक बार देख लो भाई क्या ये डिविजिबल होंगे किसी से, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो p बाई क्यू फॉर्म इक्विवेलेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ये सारे एग्जांपल किए तो ये एक चीज़ देखी कि जो हमारे रैशनल नंबर थे, जैसे जो हमारे पहले एग्जांपल में 10/3 था, फिर हमारा एक था 8/7, 1/7, तो या तो इसके जो आ रहे थे रिमाइंडर्स और जो हमारे क्वेश्चन थे वो आ रहे थे कुछ इस तरह से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, जो हमारा डेसिमल आ रहा था वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रीअकरिंग, रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग, या तो ये फॉर्म था या तो वो क्या था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो वही चीज ये कह रहा है कि जो भी रैशनल नंबर अगर हो तो उसको जब भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो वो दो ही फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल क्वेश्चन का। लेकिन अगर इरेशनल नंबर होगा जो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। तो भाई वो कैसे डेसिमल नंबर होंगे, तो एग्जांपल में देख लो, जैसे 1.23, 2.35, 2.356, मतलब ऐसे कुछ जो जो ना कभी रिपीट हो रहे हो, क्या 2.3 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ऐसा कुछ। तो ये दोनों क्या है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं कहीं पे, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ना ही इसका कोई रिपीट हो रहा है कहीं पे, तो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा या ना ही नॉन रीअकरिंग, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे किन नंबर के होंगे, इरेशनल नंबर के। और हमने उससे पहले जो एग्जाम्पल देखा उससे क्या सीखा था कि भाई कोई अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे कोई भी यूनिक पॉइंट जो होगा उस यूनिक पॉइंट को हमेशा एक यूनिक रियल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। तो अब आगे देखते हैं, अब है हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7। तो इसको निकालने का तरीका देख लो भाई, क्योंकि हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते इरेशनल नंबर को, तो इसको कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे इरेशनल नंबर के वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होंगे, और इसके क्या है, या तो टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग होंगे। तो जैसे 1/7 है तो इसका पहले डेसिमल फॉर्म निकाल लो ऐसे करके, तो अब डेसिमल फॉर्म जो भी आया, तो अब डेसिमल फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो 10 कर दिया तो पॉइंट आ गया, तो अब यहाँ पे 7/30 आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे 28 कर दोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 20 के बाद 14 इसका डिविजिबल होगा तो ये क्या हो जाएगा 60, फिर 60 के बाद 56 तो 40, और 40 के बाद और भी तो ये 35 आ सकता है, 35 के बाद 50, तो 50 के बाद ये 49 हो सकता है, यहाँ पे दोबारा 10। तो अब दोबारा देख लो, तो पहला नंबर 1 था 7 का, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर क्या आया हमारा 5, फिर 7, और उसके बाद दोबारा क्या आ गया 1, तो इसके बाद 10 के बाद तो दोबारा ये दोबारा रिपीट होगा, दोबारा ऐसे ही 10 आ गया, फिर 7, 30, तो दोबारा ये इसके बाद क्या आने लगेगा 1, 2, 8, 5, 7, तो इसका जो क्वेश्चन था वो क्या आ गया 1, 4, 2, 8, 5, 7, और यहाँ से रिपीटिंग, मतलब ये उसके बाद रिपीट होगा। तो 2/7 का देखो, तो 2/7 को भाई ऐसे लिख दो 7 और यहाँ पे चलो 2, तो अब इसका कैसे हो जाएगा, पॉइंट ये आया, अब यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 14, तो ये 2, 14 का 2 आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 60 के लिए क्या करना पड़ेगा 56, जो कि आएगा 40 के इक्वल, 40 के लिए क्या करना पड़ेगा 35, जो कि आएगा 50 के इक्वल, 50 के लिए 49, जो कि 10 के इक्वल, 10 के लिए 7, जो कि 30 के इक्वल, 30 के लिए आ जाएगा हमारा 28, और जो कि होगा 20। अब यहाँ 20 से दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिपीट, तो इसका जो आया वो क्या आ गया 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, और 1 के बाद 4, तो इसका जो क्वेश्चन आया वो क्या आ गया नंबर 0.285714, और यहाँ से रिपीटिंग। अब हमें पता करना है इन दोनों बीच नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कौन सा होगा, तो वह इसको निकालने का तो सिंपल तरीका है, क्या, तो
तो यहाँ देखो ध्यान से, तो ये 1-4 है और यहाँ पे 28 है, तो 14 और 28 के बीच में बहुत सारे हैं, 15, 17, 18, तो जो भी हो, तो मान लो पहले यहाँ 17 लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग बनाना है, मतलब ना टर्मिनेट और ना रीअकरिंग, तो 17, तो इसके बाद कुछ भी लिख दो, 172, फिर लिख दो 28, मतलब कुछ भी नंबर लिख के उसके बाद इसको दिखा दो, रीअकरिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कहीं पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है, तो इसका मतलब ये कोई इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर हमारा इन दोनों के बीच में क्या गया, ये। ऐसे ही और भी बहुत सारे निकाल सकते अपने हिसाब से, तो ऐसे ही कुछ भी कर दो, जैसे 18 और उसके बाद दोबारा 18 डाल के 0 डाल दो, फिर 1801 डाल दो, तो इसका मतलब ये कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रीअकरिंग, नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर निकल गए। तो एग्जांपल 11 हमारा है 5.3 और 7 बार, तो 5.73 बार का मतलब हो गया कि 5.3777 दिस, जो कि ये, तो 7 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट और विजुअलाइज कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ये देखते हैं। और हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाया, तो नंबर लाइन में हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 से मान लो 10 तक हमने दिखा दिया नंबर लाइन में, तो वो कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सबसे पहला बात तो ये है कि 5.37 कहाँ आएगा 5 और 6 के बीच में, तो सबसे पहले हम यहाँ इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ भाई इसके बीच में आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको मैक्सिमाइज करते हुए दिखाना है कि भाई अब हम क्या करें, इसको जूम कर रहे हैं इस नंबर लाइन को 5 और 6 के बीच में जो है, जब इसको जूम किया तो अब हमारा 5, 6 यहाँ आ गया। अब इसके बीच के 10 नंबर्स यहाँ पे डिनोट करो डेसिमल वाले, देखो ऐसे, क्योंकि ये कॉपी पेन है भाई, 2D में तुम भी अभी कॉपी से करोगे तो लाइन वगैरह ठीक से बनाना ये सब है, लेकिन जब हम लोग इसका एनिमेशन देखेंगे, ये चैप्टर खत्म होती है रिवीजन में, जब हम लोग एक्टिविटीज़ और एनिमेशन देखेंगे तो उसमें यही चीज़ बहुत ईजिली पता चल जाएगी, तो अभी कॉपी पेन से समझते हैं, उस टाइम वो देख लेंगे। तो चलो 5 और 6 के बीच में क्या कर लेते हैं, 10, फिर दोबारा पॉइंट्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या हो जाएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7, 8, 9। अब अगला कहाँ आएगा, अब जो 5.37 है वो आएगा हमारा 5.3 और 5.4 के बीच में, ठीक है, तो आप 5.3 और 5.4 को दोबारा कर दो मैग्नीफाई। हमें कब तक मैग्नीफाई करना है, जब तक हम लोग 5 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं दिखा देते। तो अब अगला कैसे होगा, अगला ऐसे होगा कि इसको अब दिखा दो भाई 5.3 और 5.4, अब इसमें भी 10 डिजिट दिखा दो इसके बीच के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39 और 5.40। तो अब कहाँ पे आएगा ये 5.37? 5.37 आएगा 5.37 और 5.38 के बीच में, क्यों, क्योंकि एक्चुअली है क्या 5.3777, तो 37 के बाद एक और 7 है, तो वो इन दोनों बीच के बीच में आएगा 5.38 और 5.37 के। तो अब दोबारा इसको मैग्नीफाई कर दो भाई, तो अब इसको मैग्नीफाई करके दिखाओगे तो क्या आ जाएगा 5.37 या 5.38, अब इसके बीच के 10 पॉइंट्स आने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अब इसके बीच के क्या आ जाएंगे 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.375777 आ जाएगा, फिर 378, 379 और 380। तो अब किसके बीच में आएगा, तो अब ये किसके बीच में आएगा 5.378 और 5.377 के बीच में, यहाँ पे। अब फिर इसको मैग्नीफाई कर दो,
तो ऐसी कहां तक आपको मैग्नीफाई करके दिखा दो, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो बस यही हमारा है, अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने कॉपी पेन से, तो इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझ लीजिए एक बार लास्ट में। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 13 है, इन दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करना है। ये देखो, ये भले ही ऐड हो रहा हो लेकिन है तो इरेशनल नंबर ही, क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकता है डिनोटर। दूसरा, क्योंकि रूट्स की इन्वॉल्वमेंट है दोनों सम में, तो जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 + 5√3 − 3√3। तो इसको करने का तरीका क्या सिंपल है, सिमिलर शर्ट्स को एक साथ ले लो। तो √2 √2 क्या है, सिमिलर है, तो √2 को एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे जो इसके साथ रैशनल नंबर जुड़े क्या है, 2 और 1, तो 2 + 1 = 3, तो 3√2 लिख दिया। अब ऐसे यहाँ क्या है, 5√3 और 3√2, तो ये क्या हो जाएगा, +2√5 − 3 = 2, और √3 शर्ट को एक ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया हमारा ऐड करके। अब देखो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर ही आ रहा है अभी तो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बस इरेशनल नंबर ही आएगा। मान लो अगर मैं √3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ √3 से, तो जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, रैशनल। तो इसका मतलब दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं, एक तरह से एडिशन भी कह सकते हैं इसको। एडिशन किसकी, √3 + −√3 की एडिशन भी है, तो वो रैशनल भी आ सकता है। तो दो इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन या तो रैशनल भी हो सकता है, रैशनल। और वैसे हमेशा याद रखो, जब दो इरेशनल नंबर की बात करें ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन जैसे 2 + √3 एक रैशनल और इरेशनल नंबर, तो जब एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, एक रैशनल और एक इरेशनल का। लेकिन जब दो इरेशनल हो तो उसका इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी, और दो जब रैशनल हो तो उसका तो रैशनल ही होगा, सिंपल। हम मल्टीप्लाई करना है भाई इन दोनों को, दोनों इरेशनल है, तो इसको क्या हो जाएगा, 6√5 × 2√5, तो 6 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12, और √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5, तो ये हो गया 60, बहुत सिंपल। अब ऐसे इसको डिवाइड करना है, तो भाई √15 और यहाँ पे 2√3, तो इन दोनों को पहले करेंगे तो 2 से 8 किया तो 4, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5√5। तो अब देखो, दो जो हमने एग्जांपल किए इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको एक साथ लिख पा रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर्टीज के फॉर्म में देखते हैं ये क्या हो रहा है। तो देखो हमने क्या, हम क्या कैसे लिख सकते हैं, √AB को a और √B के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब रूट अगर 15 है तो इसको √3 × √5 भी लिख पा रहे हैं। और ये तभी होगा जब ये जो 15 है इसके अंदर a और b जो है वो क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव। अगर −15 हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि −3 × −5 लिख दिया, या फिर −3 × −5 लिख दिया, तो ये हमेशा जब पॉजिटिव हो तभी काम करेगा। अब ये क्या है, दिस, तो ये तो सिंपल उसी का एक्सटेंशन है कि a + b × a − b = क्या होता है, a² × b² तो एक्चुअली ये जब रूट है और रूट है तो रूट्स a का स्क्वायर और रूट b का स्क्वायर a और b हो जाएगा, तो बस इसको उस फॉर्म में डिनोट कर दिया, a और b की जगह √√ कर दिया। वैसे इसमें भी सेम है, a और b की जगह रूट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम तरह से काम कर रहा है, ये भी सेम बिल्कुल। एक ए कर दिया, एक रैशनल और एक इरेशनल कर दिया, एक शर्ड है और एक रैशनल है, तो उसका भी सेम है, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा और बी √B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी। तो हमें ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा याद रखो, a + b × a − b = a² − b². ये भी बिल्कुल सेम है, a + b का होल स्क्वायर का a + 2ab + b², तो बस √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, और √b का स्क्वायर b, और दोनों का √a रूट, और दोनों का वो क्या आ जाएगा, 2, दोनों का एक और टर्म क्या आ जाएगा, 2 × √a b, और ऐसे ही ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं कि √15 =
रूट 3 इज इक्वल टू रूट 15 बाय 3, इसका मतलब ये। तो वो तो हमने एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज का यूज करके ये भी सिंपलीफाई इजिली कर सकते हो भाई, बहुत ही सिंपल। अब इन दोनों का जैसे प्लस है, तो प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको इससे एक तरह से मल्टीप्लाई। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और ये क्या हो जाएगा रूट 35। क्या कर दिया, एक टर्म से एक को मल्टीप्लाई ऐसे डायरेक्टली कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, तो प्लस है और एक ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 25 माइनस 5 जो कि हो गया 20। ये भी सिंपलीफाई हो गया इजली। तो बस ऐसे ही यूज करके आपको सारा कर देना। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब आगे बढ़ा जाए तो रैशनलाइज। तो देखो रैशनलाइज मतलब क्या होता है, पहले रैशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये 1 बाय रूट 2 ये जो शर्ड है वो डिनोमिनेटर में 1 बाय करके को अगर आए, शर्ड जो वो कभी डिनोमिनेटर में हो तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई रूट 2 को तो हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर पा रहे थे, लेकिन 1 बाय रूट 2 को करना बहुत ही मुश्किल और अभी तक इम्पॉसिबल, और 1 बाय रूट 2 को करना मुश्किल है नंबर लाइन पे, तो इसीलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं जहाँ पे जो ऊपर हो न्यूमरेटर में हो वहाँ पे शर्ड हो। तो इसको न्यूमरेटर में शर्ड में कन्वर्ट, तो न्यूमरेटर में शर्ड लाने के लिए और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 बाय रूट 2 को ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 से, सेम नंबर से। तो ये क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया रूट 2 बाय 2। अब क्या है, रूट 2 तो नंबर लाइन पे हो ही सकता है रिप्रेजेंट, और रूट 2 बाय 2 कैसे हो जाएगा, तो इसको भाई डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो उसको बाइसेक्ट कर दो सिंपली, तो वो क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे डिनोट। तो न्यूमरेटर में कैसे भी आपको शर्ड लाना है। अब अगला देखो, अब रैशनलाइज करना है 1 बाय 2 प्लस ए। तो जब भी कुछ ऐसा फॉर्म हो ए प्लस रूट बी जहाँ पे एक रैशनल और एक शर्ड हो, तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। कंजुगेट्स क्या होते हैं, तो जैसे ये ए प्लस बी है तो इसका कंजुगेट होगा ए माइनस बी, मतलब साइन को अपोजिट कर दिया दो टर्म के बीच में, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस रूट बी, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है रूट टू। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए रूट बी आ गया ऊपर तो सेम, और इन दोनों को किया तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए रूट बी और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी, सिंपल। तो इस तरह ये रैशनलाइज होके आ गया, शर्ट का जो टर्म है इरेशनल टर्म जो है वो ऊपर चल गया और डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनल नंबर ही आ रहा है। अब इस तरह इसको भी करना है, ये a माइनस बी के फॉर्म में है तो इसका जो कंजुगेट होगा a प्लस बी होगा, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे a इसका रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। अब इस तरह इसको भी इसको a माइनस बी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे कंजुगेट। अब हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट जब आते हैं तो कैसे काम करते हैं। तो देखो इरेशनल नंबर के लिए जो एक अलग है बस इतना ही है कि बाई ए टू द पावर एम बाई एन हो तो इसको डिनोट कर सकते हैं कैसे, ए रूट अंडर एन और होल का पावर एम, और एम बाद में अंदर भी आ सकता है। इसका सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे 5 2 बाई 3 हो तो इसको हम लोग 5 रूट अंडर 5 क्यूब रूट 3 इंटू कैसे लिख सकते हैं 2, और उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3, मतलब ये तीनों सेम है। तो अब इसको एग्जांपल सॉल्व किया जाए, तो पहला क्या है, ये क्या है मल्टीपल है एक्सपोनेंट्स में और बेस सेम है, मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ये इस फॉर्म में है। तो अभी इस फॉर्म का क्या होता है भाई, ये m प्लस n एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं और कैसे, तो ये तो हमने बचपन में पढ़ ही लिया। तो अब ये एक्सपोनेंट प्लस हो गए तो अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 बाय 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 बाय 3, 3 बाय 3 क्या हो गया 1, तो ये आंसर आ गया 2। अब ऐसे इसको
तो ये है फॉर्म ए टू द पावर एन टू एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एम एन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 to the power 5 into 4, तो ये हो गया हमारा 3 4 5, सिंपल। अब अगला फॉर्म है हमारा ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एम माइनस एन, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5 - 1/3, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 7 1/15 और 3 - 5, तो ये हो गया हमारा इक्वल -2/15, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई करके। अब हमारा ये, तो ये फॉर्म है हमारा ए एम इंटू बी एम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बी टू द पावर एम, एक साथ कॉमन आ गया, तो ये कैसे हो जाएगा, 13 into 17/1/5, सिंपल, सारे हो गए हमारे सॉल्व। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर वन हुआ खत्म। अब थोड़ा एनिमेशन देख लेते हैं चैप्टर वन के, और उसके बाद हम लोग चैप्टर टू पे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला एक्टिविटी एनिमेशन है, हमें रिपीटिंग नंबर्स को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो देखो, पहली बात तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ अभी मैं करवाऊँगा वो सारे आप खुद भी कर सकते हो, ये बात याद रखना, खुद भी कर सकते हो, और खुद कैसे कर सकते हो, खुद कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको जानने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जल्दी ही आ रहा है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर सकते हो। अब ये क्या है 8.9, और 9 क्या है, रिपीट हो रहा है 8.999 ऐसे। तो भाई 8.9 यहाँ कहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट को जब हम ड्रैग करेंगे तो 8.9 8 और 9 के बीच में कहीं यहाँ आएगा मान लो, ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अब हम पूछते हैं भाई इससे हमने कैसा किया, हाउ डिड आई डू, तो इसने जूम कर दिया 8 और 9 को, जूम करके अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट हमारा वहीं पे है, पॉइंट हमारा वहीं पे है, लेकिन 8 और 9 के बीच में आ गया, लेकिन हम पॉइंट हमारा वहीं पे है, लेकिन हमने बस एक्सिस को जूम कर दिया 8 और 9 के बीच में। अब देखो, अब ये दोबारा कह रहा है अब बताओ कहाँ है भाई, जब हमने जूम कर दिया तो अब बताओ कि कहाँ है, तुमने पहले यहाँ बताया था। तो अब देखो 8.9 मतलब क्या, 8.999, तो ये किसके बीच में आएगा, 8.9 और 9 के बीच में, तो अब दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कहीं करना पड़ेगा, कर दिया। अब दोबारा पूछते हैं भाई, तो अब इसने दोबारा 8.9 और 9 के बीच का कर दिया, अब बताओ कहाँ होगा वो पॉइंट, तो पॉइंट हमारा वहीं पे है, अब बताओ कहाँ पे होगा, तो अब दोबारा हम कह देंगे भाई अब इन दोनों के बीच में होगा, फिर पूछा इससे, फिर उसने जूम कर दिया, तो लास्ट में जब जूम किया तो इसने बोला कि देखो भाई, नोटिस करने वाली बात यह है कि वी कैन नेवर एक्सपेक्ट एग्जैक्टली प्लॉट बिटवीन रिपीटिंग नंबर्स, वी कैन ओनली अप्रोक्सीमेट, मतलब जब रिपीटिंग नंबर्स हो तो हम लोग हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी उसकी बढ़ाती जा सकते हैं मैग्नीफाई कर करके, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग कभी नहीं बता सकते, क्योंकि उसके बाद भी तो वो मैग्नीफाई हो सकता है। रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग किसी अप्रोक्सीमेटली, जैसे हमारा क्वेश्चन वहाँ पे क्या था, 5 decimal point तक बस करो, तो ये कहाँ तक है, बस 3 decimal point तक अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसे ही एनिमेशन के थ्रू भी देख लिया, हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी, अब तो पूरा समझ में आ गया होगा इसको क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको आप खुद भी कर सकते हो, कैसे, तो भाई सब्सक्राइब करो तुरंत पता चल जाएगा। अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं कुछ चैप्टर वन की। तो अब दूसरी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, हमारी क्लास रूम एक्टिविटी भी थी। तो देखो, सबसे पहले तो 1 1 यूनिट का ये आ गया, और जो हाइपोटेनस है वो रूट 2 आ गया, सिंपल। अब रूट 3 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब रूट 3 करने के लिए इसको एक मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, 1 और 1, अब ये देखो कैसे आ गया 1 1, और यहाँ भी ये क्या है 1, अब ये 1 1, फिर यहाँ पे 1 बनाया तो ये रूट 2 था, और यहाँ पे क्या बन गया रूट 3, तो रूट 3 तक पता चल गया। अब रूट 4 जाओ तो रूट 4 क्या हो जाएगा ऐसे, तो भाई इसको पहले तो यूनिट सेगमेंट छोटा भी कर लेते हैं साथ में, सिंपल। तो अब देखो, अब ऐसे ही क्या आ गया यहाँ पे, ये रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, ये 1 1 1 1 रूट 4 तक। अब ऐसे ही देखो भाई, अब आगे इसको और बढ़ाते जाएं तो, पहले तो भाई इसको छोटा कर लेते हैं अब, क्योंकि अब इसको और एक्सटेंड करने वाले हैं। तो ये देखो, अब इसको खुद से क्या तक करें, तो स्टार्ट, अब ये हमारा खुद से देखो स्क्वायर रूट स्पाइरल ऐसा दिखता है एक्चुअली, पूरा देख लो भाई, रूट 50 तक देखो कहाँ तक कैसे दिखता है ये, हमेशा सोचते हो कि और नंबर बढ़ेगा तो भाई कैसा दिखेगा ये,
तो भाई ये ऐसा तक ही जाएगा, देखो रूट 50 तक गया, अब ये दोबारा वापस रूट 1 तक जाएगा। तो ये सारे एनिमेशन आप खुद भी कर सकते हो, कैसे तो सब्सक्राइब करो, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ कैसे कर सकते हो। तो ये तो अभी दो टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी, एक तो ऐसी जो एनिमेशन के थ्रू देख लो, एक क्वेश्चन आंसर और जितना चाहो उतना बना सकते हो, तो उस एक्टिविटी को भी देखते हैं। एक मैं अभी लिमिटेड एक्टिविटीज़ ही दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी होंगी हर चैप्टर की, तो एक और देखते हैं हम लोग जो कि लास्ट होगा। तो हमारी ये एक्टिविटी ये कहती है कि ड्रैग द रेड पॉइंट, ये जो रेड पॉइंट है इसको ड्रैग कहाँ करना है, अप्रोक्सीमेट पोजिशन पे टू द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो बस अप्रोक्सीमेट पोजिशन पे हमें अभी सीखना है, ये पहला स्टेप है कि आपको बस आइडिया हो जाए कि कहाँ होगा। तो जैसे रूट 85 है, माइनस रूट 85 तो कहाँ होगा, तो हमें पता है कि रूट 81 जो होता है वो 9 का होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो रूट 81 9 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो रूट 100 इज इक्वल टू 10 होगा। तो ये 85 रूट 185 माइनस 9 और माइनस 10 के बीच में ही होगा कहीं, तो बस यहाँ कहीं होगा माइनस 9, और तो बस रेड पॉइंट को हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले जाके यहाँ दिखाना है और उसके बाद चेक करना है। तो भाई देखो यू गॉट इट। अब हमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बस हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ होगा, क्योंकि कभी कभी हमें बस एग्जैक्ट पता नहीं करना होता है कहाँ पे है, बस अप्रोक्सीमेट। तो ये पहला स्टेप है किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो अब देखो इस एक्टिविटी की खास बात ये है, आपको जितने करने हैं आप उतने कर सकते हो। जब जैसे मैंने न्यू नंबर दबाया, नया नंबर आ गया, अब माइनस रूट अंडर 69 कहाँ होगा, ऐसे ही भाई अब इसके आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा कौन सा 81, और उससे पीछे वाला होता है 8 का 64, तो उन दोनों के बीच 8 और 9 के बीच, तो वो मान लो कहीं यहाँ होगा। अब दोबारा कर लो, यू गॉट इट, और शो आंसर, मतलब ये दिखा रहा है कि हाँ भाई यहाँ कहीं होगा। तो ऐसे आप कई एक्टिविटीज़ खुद से कर सकते हो, अपनी बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब देखो और अपने नए एक्टिविटी पे देख चलते हैं। तो अब हम नई एक्टिविटी देखते हैं, और ये एक्टिविटी है रैशनलाइजेशन के बारे में। तो देखो बहुत बार कोई नंबर्स होते हैं हमारे दिमाग में भी आते हैं, जो हम खुद करके देखना चाहते हैं और फिर वेरीफाई करना चाहते हैं क्या वो सही है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए इसीलिए बनाई गई है, और इसको आप कैसे कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या है कि मैंने अभी क्या डाला है, न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में रूट 2, तो ये नंबर बन गया। अब इसको मुझे रैशनलाइजेशन इसका देखना है कि भाई क्या आएगा। तो देखो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, तो पहले तो मैं खुद करके देखूंगा, तो भाई खुद करके देखूंगा तो मुझे पता है 8 रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2, और रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, अभी हमने सीखा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 रूट 2 बाय 2, अब 2 और 8 भी कैंसिल हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2। तो हमारा रैशनलाइज करने के बाद ये आया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं क्या सही है, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप देखना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने भी क्या किया है, सेम चीज़ अप्लाई की है, और इनका आंसर भी क्या आया, सेम आया। तो ऐसे ही आप कुछ भी यहाँ टाइप करके अपने हिसाब से देख सकते हो। तो अब हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे पास है, जो आप कैसे कर सकते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको पता चल जाएगा। अब देखो, तो अब हमारा ये एक्टिविटी क्या कह रही है, अब हमें बताना है कि 7 जो ये नंबर है वो कौन कौन से नंबर्स के अंदर आता है। तो देखो अगर 7 है तो भाई वो क्या नेचुरल होगा, हाँ होगा, टिक कर दिया। क्या वो रैशनल है, हाँ है, क्योंकि इसको 7/1 लिख सकते हैं। और ऐसी ही इंटीजर है, हाँ इंटीजर भी है। क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, तो इसको टिक नहीं करेंगे। तो देखो जब मैंने 3 कर दिया और चेक आंसर किया तो हाँ इट इज करेक्ट आंसर। तो बस अब इसको मैं, अच्छी बात क्या, जितने चाहो उतने न्यू एग्जांपल ले सकते हो और इसको टिक करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब इसलिए नहीं बनानी शुरू की है क्योंकि अब हमारा देखो जो नई पॉलिसी आई है CBSE की, उसके हिसाब से 2 टर्म एग्जामिनेशन होंगे और 1 टर्म जो होगा उसमें MCQ भी होगा, तो आपको उसके MCQ टाइप क्वेश्चन भी आने चाहिए। अब अगली एक्टिविटी भी हमारी MCQ की है, वो देखते हैं। अब हमारी जो ये एक्टिविटी है वो कह रही है सिंप्लीफाई करो जो रूट अंडर 216 है। तो इसका खास बात क्या है कि अब हमें ये सिंप्लीफाई करके जो ऑप्शन होंगे जिसके बराबर जिसके इक्वल ये आएगा उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आंसर देखना है। तो रूट अंडर 216 क्या कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखो इसके सारे हम लोग
क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, इसके सारे फैक्टर्स लिख दो। तो 216 के फैक्टर क्या होंगे, या तो इसको पहले अलग से निकाल लो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में, तो पहले 2 तो ये हो जाएगा 108, फिर आ जाएगा 2 तो 54, फिर 2 तो 27, फिर 3 तो ये 9, फिर 3 तो ये 3। अब सारे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले आ गए, अब सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो इसको यहाँ लिख दो 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। अब क्या करना है, आप इसको पेयर में लिख लो, जैसे 2 2 और 3 3, दो पेयर बन रहे हैं, तो जिस नंबर का पेयर बन रहा है वो नंबर बाहर आ जाएगा 2 × 3, और जो बाकी बच गए उनको भी ऐसे लिख दो। ये बाहर क्यों आ गए पेयर वाले, क्योंकि एक्चुअली क्या है, 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और 2 का स्क्वायर है और उसके अंदर का रूट है, तो इसका मतलब वो बाहर आएगा, तो ये 2 के इक्वल होगा। ऐसी 3 भी, तो ये 3 भी बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, तो अब ये क्या हो गया, 2 × 3 = 6 √6। अब हम लोग देखते हैं क्या बी ऑप्शन हमारा सही है। देखो ग्रीन साइन मतलब हाँ ये सही है, और बाकी रेड वाले थे, तो अगर रेड आता तो वो गलत होता। अब खास बात इसमें भी यही है कि आप जितने चाहो उतने प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करने की आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी को देखते हैं। तो अब जो ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये बहुत काम की है। इसमें क्या, आप कुछ भी अपने हिसाब से, जब भी आपके दिमाग में कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन आए कि क्या भाई ये नंबर जो है वो रैशनल है या इरैशनल है, उसका एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा, आपको आपने जो निकाला उसको वेरीफाई करना हो, तो आप इससे थ्रू कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी रैशनल नंबर यहाँ आया मेरा P/Q फॉर्म में 3 और 23, तो ये क्या हो गया 3/23, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। देखो 3/23 का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, क्या सिंगल कॉलम में चाहिए, नहीं मुझे मल्टी कॉलम में चाहिए, ये देखो। और इसको कितने डिजिट तक आपको चाहिए कि ये रहे, ये देखो, आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो खुद से, कितने डिजिट चाहिए आपको। आप 200 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी तक, मुझे बस चाहिए कितना 80, तो ये 80 दिखाएगा। तो जहां तक आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखना है आप वहां तक देख सकते हो। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो तो पहले ही हट जाएगा, पहले ही खत्म, लेकिन अगर वो रिपीटिंग होगा तो वो देखेगा। जैसे 3/23 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, या तो इसका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। तो क्या भाई ये रीअकरिंग है, चलो चेक करते हैं। तो देखो 1 3 0 4 3 1 3 0 4 3 4 7 8 2 6, और यहाँ तक हमने पूरा देखा, तो ये देखो यहाँ आने के बाद 1 3 0 4, तो देखो अब कितनी दूर बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना चाहो उसके वहां तक देख सकते हैं, और ये रिपीटिंग भी है, इसीलिए रैशनल नंबर का है डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो अगर कोई बस 3 का देखना हो तुम्हें, तो भाई इसका क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, तो देखो 3 का 3 टर्मिनेटिंग आ गया, अब इसका आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ। तो ऐसे ही किसी एक रैशनल नंबर का भी, अभी इरैशनल नंबर का भी देखना हो, इरैशनल नंबर का, तो वो भी देख सकते हो भाई। तो अब देखो यहाँ अपना कर दिया, अब मुझे पाई का देखना है, तो यहाँ पे मैं इसको कलर में हम लोग एक्टिविटी में चेंज कर देंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, यहाँ मैंने भी पाई लिखा है। तो पाई का देखो, तो पाई के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, ये एक इरैशनल नंबर है, तो अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है पाई का, इसीलिए वो इरैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हो कहीं भी ये रीअकर भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। तो आप हमारी एक्टिविटीज के थ्रू ये सब कुछ देख सकते हो, और कैसे आप इसको खुद से भी कर सकते हो, खाली क्यों बस देख नहीं सकते, देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी करना है तो जल्दी ही अनाउंसमेंट आएगी कैसे कर सकते हो। तो चलो ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू और लर्न बाय अपने नए नए एनिमेशन के थ्रू सीखना है। तो चलो अब हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे।